इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल की। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? इससे पहले हमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समझने होंगे। तो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, ये चारों जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं, इनसे ही आउटपुट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अगर हमने कुछ भी बनाना है, कोई सर्विस देनी है, तो सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर हैं वो कैपिटल अरेंज करते हैं, लेबर अरेंज करते हैं और लैंड, जहाँ पे प्लांट लगेगा, मशीनरी लगेगी और लेबर काम करेगा। तो पहले ये समझा जाता था कि कैपिटल वर्ड जो है, ये क्यों हमने इंक्लूड किया ह्यूमन कैपिटल के साथ, क्योंकि कैपिटल वर्ड होता था इन्वेस्टमेंट के लिए, कि हम इन्वेस्ट किस में करते हैं, प्लांट या मशीनरी। तो जब भी हम ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल, ये जो है लेबर से रिलेटेड है, ये कॉन्सेप्ट बाद में आया। ये क्यों आया? क्योंकि मॉडर्न जब हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं तो ह्यूमन कैपिटल की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती थी, तो सर्विस सेक्टर में ये और बढ़ गई, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि अकेला कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम मशीनरी या प्लांट में, वही नहीं, बल्कि जो लेबर है, जो हमारे पर्सोनल काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए, उनको ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जाए, तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी इंक्रीज होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। जिस तरीके से किसी किसी भी देश में क्या होगा, स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर हम अच्छी एजुकेशन दें तो वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, MBBS करके डॉक्टर्स बन सकते हैं और इकोनॉमी में अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भी लिंक्ड है। आमतौर पर जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसके साथ ह्यूमन कैपिटल भी इम्प्रूव होता है। आप डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के उदाहरण से ये समझ सकते हैं, कनाडा, US में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो उनका ह्यूमन कैपिटल भी हाई है, उनका हेल्थ और एजुकेशन स्टेटस, ह्यूमन रिसोर्सेज का काफ़ी अच्छा है। इसी तरीके से जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी एजुकेशन और हेल्थ में, क्योंकि पैसा ज़्यादा है किसी देश के पास, तो उससे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये साइक्लिकल प्रोसेस है या इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होने से इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ से पैसा आता है, उसको फिर इन्वेस्ट किया जाता है, फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अभी नेक्स्ट हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल पहले वर्ड यूज किया जाता था, आजकल हम वर्ड यूज करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो दोनों में क्या अंतर है? ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, एजुकेशन और हेल्थ एक मीन्स होते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के, कि हम ह्यूमंस को अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में, एजुकेशन और हेल्थ में अगर इन्वेस्ट करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और मकसद क्या होता है, प्रोडक्टिविटी या आउटपुट को इंक्रीज करना। तो ह्यूमन बीइंग्स एक तरीके से मीन्स हैं, और हमारा मकसद या टारगेट क्या है या एंड क्या है, टू इंक्रीज द आउटपुट। तो इन्वेस्टमेंट अगर एजुकेशन और हेल्थ में हो रहा है, अगर वो अनप्रोडक्टिव है तो वो अच्छा नहीं समझा जाएगा। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट हुआ एजुकेशन और हेल्थ में, लेकिन किसी देश का या ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट नहीं बढ़ा इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम कहेंगे कि वो तो अनप्रोडक्टिव है। ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और बेटर है। क्यों? इसमें हम एजुकेशन और हेल्थ को इंटीग्रल पार्ट देखते हैं ह्यूमन वेलबींग का, और हमारा टारगेट क्या है, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स एंड है, मीन्स नहीं, तो हमारा टारगेट, हमारा फोकस ही ह्यूमन बींग्स है। और हम बात करते हैं राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन की, क्योंकि ये इंटीग्रल है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो ह्यूमंस क्योंकि अपने आप में एंड मानते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में, तो हम एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस रखते हैं, चाहे प्रोडक्टिविटी बढ़े या ना बढ़े। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन और हेल्थ की ज्यादा बात की जाती है या स्किल्स की बात की जाती है, क्योंकि इन तीनों चीजों पे अगर फोकस करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है या हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज इंप्रूव होते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर इंडिया का कैसा है?
एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, मतलब यूनियन और स्टेट्स दोनों इस पे लॉ बना सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, तो 2020 में ये जो पॉलिसी आई है ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क देता है हमें एजुकेशन सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करती हैं सरकारें, और बहुत सारी बॉडीज हैं जो इसे रेगुलेट करती हैं और इसका स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं, जैसे एनसीईआरटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूजीसी जो है वो फंडिंग भी देती है। तो ये है हमारा एजुकेशन सेक्टर, इसे अगली स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, तो हेल्थ हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट ही कानून बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हैं कई, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो इसे रेगुलेट करते हैं या अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं हेल्थ के रिलेटेड। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन है जो रेगुलेट करता है मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स को। उसके अलावा स्किल इंडिया और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इंडिया के, तो स्किल डेवलपमेंट की बात करती है सरकार, क्योंकि अगर स्किल्स होंगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो ह्यूमन कैपिटल है वो इम्प्रूव होंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा। एजुकेशन और हेल्थ से भी यही चीज होती है, और हमारी प्रोडक्टिविटी देश की बढ़ेगी। एजुकेशन सेक्टर पे फर्दर बात करते हैं, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं इंडिया में। एक तो फॉर्मल एजुकेशन जो रेगुलेटेड है, डॉक्यूमेंटेड है, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन आ गई। हायर एजुकेशन जो कि टर्शरी एजुकेशन है, उसकी डिमांड काफी बढ़ रही है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में बहुत हायर एजुकेशन चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं कि प्लस टू के बेसिस पे आप काम कर सकते हैं, वैसे भी इसकी डिमांड है ग्रेजुएशन की, और जो कि टर्शरी सेक्टर में आ जाता है पूरी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी, तो इसकी डिमांड है। पर हमारा एनरोलमेंट रेशियो काफी कम है अगर हम दूसरे डेवलप कंट्री से कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि या तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इतने नहीं है, या एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते आम लोग। तो ये हमारा फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन अभी है, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए जो प्राइवेट सेंटर्स होते हैं, तैयारी करवाते हैं, कोचिंग देते हैं। प्री स्कूल्स आ गए प्राइवेट जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं। फिर वोकेशनल एजुकेशन आ गया, जैसे कारपेंटर है कोई, वो किसी को कारपेंट्री की मतलब टेक्निक सिखा रहा है, तो वो वोकेशनल एजुकेशन में आ गया। तो इसी तरीके से कोई लोहार है, वो लोहार की टेक्निक सिखा रहा है। ये इनफॉर्मल होता है, ये रेगुलेटेड नहीं होता। और प्री स्कूल को हम फॉर्मल एजुकेशन में लाना चाहते हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की, वो भी यही करने की कोशिश कर रही है। एजुकेशन सेक्टर में हमें क्या इंश्योर करना है फ्यूचर में? जेंडर इक्विटी, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसके बिना हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अधूरी है। तो एनरोलमेंट रेशियो लड़कियों का काफी कम है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च काफी लो है इंडिया का। जो रैंकिंग्स आती हैं यूनिवर्सिटीज की, टॉप 500, टॉप 1000, उसमें बहुत कम इंडियन यूनिवर्सिटीज होती हैं। उसके बाद फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को हम प्रैक्टिकल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए एक्ट भी पास हुआ है, राइट टू एजुकेशन, बट बहुत सारी मजबूरियों के कारण क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली भी फ्री एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि बच्चों को जो गरीब वर्ग है एज अ लेबर देखते हैं, और स्कूल्स नहीं भेजते, जो स्कूल जाते भी हैं मिड डे मील स्कीम के लिए या और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, यूनिफॉर्म्स वगैरह गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, उसके बाद भी उनका एजुकेशन अच्छा नहीं हो पाता है पब्लिक सेक्टर में। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम बहुत कम फंडिंग दे रहे हैं, तो ये सारे हमें करेक्ट करने होंगे। ये चीजें हमारे लिए चैलेंजेस हैं, तभी जाके हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा हो पाएगा। तो ये है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में। इससे वीडियो एंड होता है।